Class. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. In our last lecture, we have been discussed Sufism and its effects. Today, we will discuss the different as Baba Farid Ganshakar, Razila Talanho, 1173 AD to 1265 AD. Now, students, open your book page number 68. On your book page number 68, the topic is the Baba Farid Ganshakar, Razila Talanho. Now, start reading. His name is Masood and the title Fariduddin. Students, remember one thing, that he is the same person whose mother told him that if he offer his prayers, Allah will give him shikar. Students, ये वही पापा फरीद गान शिकर हैं जिनकी मदर उन्हें कहा करती थी कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें शक्कर मिलती, इस वजह से उनको शक्कर भी कहा जाता है. पापा फरीद गान शिकर, ही इज़ फेमस by the title of Ganshakar among public. His father Qazi Jamaluddin Suleiman was a great spiritual personality. Unke jo walid sahib the wo ek ruhani insaan the. His family tree is touched with Hazrat Umar Farooq Razila Ta'ala Anhu. Unka jo nasab nama hai wo Hazrat Umar Farooq Razila Ta'ala Anhu ke saath milta hai. He was born at Kotwal district Multan mein paida hue the. He got his early education from a religious school. उन्होंने एक मदरसे से अपनी तालीम हासिल की. ही लर्न द होली कुरान बाई हार्ट एंड केम टू मुल्तान. उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया और मुल्तान चले गए टू गेट फर्दर एजुकेशन, आगे तालीम हासिल करने के लिए. वन ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, जब वो 18 साल के थे. आफ्टर दिस ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली चले गए. वे ही मेट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जहाँ पर वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिले. एंड ही टुक द ऑथ ऑफ अलायंस ऑन हिज हैंड, और उन्होंने इस बात पे इरादा किया कि वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ पर बात करेंगे. ही केम टू अजोधन, वो अजोधन आगे नेरदा रिवर सतलुज, सतलुज के करीब एक गांव है जहां पर वो तशरीफ फरमा हुए. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज स्पिरिचुअल टीचर, जब उनके रूहानी टीचर की वफात हो गई. पीपल कॉल्ड पाकपतन टू अजोधन, तो पाकपतन के लोगों ने उन्हें वहाँ पर बुला लिया. ही प्रीच इस्लाम इन पंजाब, उन्होंने पंजाब में अब इस्लाम को फैलाया. सिंध एंड नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, फ्रॉम देयर और सिंध नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया तक उन्होंने इस्लाम को फैलाया. ही प्रीच इस्लाम टू पंजाब, सिंध एंड नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, फ्रॉम देयर उन्होंने इस्लाम को फैलाया. पंजाब, सिंध, नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया में अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इम्प्रेस्ड इन टू इस्लाम ड्यू टू हीज प्रीचिंग. एक बहुत ज़्यादा लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद हज़रत बाबा फरीद गंजशेखर की वजह से इस्लाम कबूल किया. अ ग्रेट फैमिलीज ऑफ वेस्टर्न पंजाब इंक्लूडिंग सयाल एंड वाटो एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन हिज हैंड्स. वहाँ पंजाब में दो कबीले थे, वाटो एंड सयाल, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया हज़रत बाबा फरीद गंजशेखर के हाथ पर. ही डाइड इन 1265 AD, उन्होंने 1265 में इंतकाल फरमाया. हिज होली टॉम्बिंग पाक पतन, उनका जो मज़ार है वो पाक पतन में है. हिज उर्स इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, उनका उर्स जो है वो हर साल मनाया जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ दिस उर्स इज़ द ओपनिंग ऑफ ब्लेस्ड डोर, सबसे जो उसका मेन इवेंट है वो ब्लेस्ड डोर का खुलना है. मिलियंस डिवोटीज पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर उसमें लोग आते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 1182 AD एंड 1264 AD. हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ बॉर्न एट करोर डिस्ट्रिक्ट लिया, वो करोर डिस्ट्रिक्ट लिया में पैदा हुए थे, नियर मुल्तान के करीब. हिज फादर नेम वाज कमालुद्दीन शाह, उनके बाप का नाम कमालुद्दीन शाह था. ही लर्न द होली कुरान बाय हार्ट व्हेन ही वाज 7 ईयर ओल्ड, जब वो 7 साल के थे तो उन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया था. हिज अंकल अहमद घोष ब्रॉट हिम अप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड इम्प्रेस्ड एजुकेशन इम्पार्टेड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिज विशेज. जब उनके वालिद की डेथ हो गई तो उनके अंकल, उनके चचा जान जो थे, वो उन्हें अपने पास ले गए और उनकी जैसे जिस तरह की तालीम वो हासिल करना चाहते थे उस तरह की तालीम उन्हें दिलवाई गई.
ही गॉट एजुकेशन एट खसरान कॉन्टीन्यूसली 7 years. उन्होंने 7 साल तक खसरान से तालीम हासिल की. ही आल्सो स्टेड एट मदीना एंड आल्सो परफॉर्म हज. वो मदीना में भी क्याम उन्होंने फरमाया और हज भी अदा किया. ही टुक द ऑर्थ ऑफ अलायंस ऑफ द हैंड्स ऑफ हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. हू वाज़ अ फाउंडर ऑफ सोहरवर्दी ऑर्डर. उन्होंने हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के हाथ पर बैत की जो सोहरवर्दी ऑर्डर के फाउंडर थे. He ordered him to go back to Multan. Sohrawardi order was started in the continent by his procedure. उन्हें order दिया गया कि वो मुल्तान वापस चले जाए. When he came back, 1,000 people arrived there for his privilege of seeing. He invited the public towards Islam. जब वो वापस आए तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई और उन्हें इस्लाम कबूल इस्लाम की तरफ दावत दी गई.